तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, डिपेंडिंग वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। सबसे पहले तो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये मोस्ट अवेटेड वीडियो थी हमारे लिए भी, रीजन बिंग अब जाके हम कुछ सेटअप करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। आपको सेटअप से पहले थोड़ा सा मैं फ़िलहाल के लिए हाउस टूर दे देता हूँ कि फ़िलहाल घर की हालत क्या है, हमने क्या सेटअप करना है और हरप्रीत कहाँ पर है। हरप्रीत ये काम पर है, आज संडे है, मैं हूँ छुट्टी पर, तो अभी नहाया भी नहीं हूँ। अभी सेटअप करेंगे उसके बाद नहाएंगे, ठीक है, क्योंकि तो अभी गंद वंद मचना है, अभी सारी सफाई करनी है हमने। तो सबसे पहले मिनी ट्यूर हाउस का ये कुछ डब्बे पड़े हैं, अभी यही हमने सेटअप करने में, आपको सारा कुछ बताऊंगा अभी क्या सीन है। अभी फ़िलहाल के लिए हमारी सेटिंग कुछ ऐसी थी, ये एक छोटा सा हमने बेंच ले लिया था, ठीक है, ये भी हमें मार्केट प्लेस से मिल गया था। हमारे पास लाइट्स आ गई थी, एक टेबल मैं ये लेकर आया था और सेम टेबल वापस मिल गया, एंड बीन बैग्स प्लस कुशंस, बड़ा सा मिरर, यूटिलिटी कार्ट। अभी फ़िलहाल रूम की सेटिंग कुछ ऐसी है, ये बैग्स अभी हमने, ऑल दो इसमें अभी कुछ कपड़े हैं सर्दियों के निकाल देंगे, गर्मी वाले डाल देंगे। ये सबसे काम की चीज़ हमें मिली थी, ये हल्का सा है बेचारा, और इसमें सारा भर दिया हमने सामान। थोड़ा सा मौसम चेक देख लेते हैं, अभी आ रहे हैं काले बादल, टेम्परेचर हो रहा है 12 डिग्री। जिसने से भी हैरी पॉटर देखी है, ये फायर बोल्ट के बाद वाला अपग्रेड है, मैं इसी पे उड़ के इंडिया जाऊँगा किसी दिन। रूम में झाड़ू पोछा खत्म हो चुका है, अब बारी है बाहर की। टाइम टू पी। झाड़ू वाला पार्ट यहाँ का हो चुका है डन, कुछ भी नहीं बचा है झाड़ू में। पोचा मैं अंदर ले आया हूँ, बारी है पोचा मारने की है। बाय द वे बीबी मेरी तू दूसरे फोन पे है अभी। हेलो हरप्रीत, कौन? हाय गाइस। हाय बोल दे। आई विल बी होम इन 20 मिनट्स। सामान फेंकने का टाइम आ गया, सामान मैं फेंकने आया हूँ इधर, और ये गया। और सामान फेंकते हुए वो देखो सामने से कौन आ रहा है, वो रही मैडम, ये जा रही। हेलो, कूड़ा फेंकने आओ, एक कूड़ा साथ आ जाता है। ज्यादा ना बोलो, समझ आ रही है? जल्दी आओ, बंद कर दूंगी। तो फायदा क्या हुआ यार, मैं कूड़ा फेंकने गया था, कूड़ा लेकर ही ऊपर जा रहा हूँ। तो टाइम आ गया है पोछा मारने का, ये है मेरा निम्बस 2000, इस पे हम लोग उड़ के जाएंगे बड़ी दूर तक। हेलो एंड वेलकम बैक। मैडम काम से आ चुकी है, तो अभी के लिए घर पड़ा हुआ है खाली। इट्स नॉट लाइक अभी के लिए खाली है, पहले जब हमने लिया था इट वॉज लाइक दिस, नॉट इवन द टेबल्स। फिर हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखा जो आप अगले शॉट में देखोगे, नॉट अगले शॉट में, लाइक बीच में आपको दिखाएंगे। हमने यहाँ पे एक बेंच रखा हुआ था, बीन बैग्स रखे थे, एक टेबल रखा हुआ था। अब एक्चुअल सामान हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे इनकी शक्ल देखो, ये तो अगर हमें पिक्चर मिल पाए तो इधर अटैच कर देंगे कहीं पे स्क्रीन में। हमने एक एल शेप सोफा ऑर्डर किया था, जो कि क्या बोलते हैं, पुल आउट सोफा था, एंड इट हैड स्टोरेज। सो एज पर द स्पेस हमें था कि वो छोटा है एल शेप का, ओके रहेगा। हुआ ये कि हमने वो ऑर्डर किया एंड वो 3 पीसेस में आना था। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज टू ऑफ थ्री, टू ऑफ थ्री, थ्री ऑफ थ्री। सो हमारा 2 दिन डिलीवर होना था, एक दिन एक पीस आया, दूसरे दिन बाकी दोनों आए थे। मैं उसका शॉट डाल दूंगा बीच में। एक तो आ गया, वैसे खैर सोफा ही आना था, उसी का कोई ना कोई डब्बा आया होगा। करेक्ट। तो आज बाकी के 2 पैकेज भी हमारे आ चुके हैं सोफे के, या पे भी आज अपना सोफा कंप्लीट होएगा। इसमें गद्दियाँ शायद सारी, इसमें बाकी का बचा कुचा माल है। यहाँ से आपको कलर का आइडिया लग सकता है थोड़ा सा, पता नहीं है ये मेरे को नहीं पता है क्या चीज़ है, कोई बात नहीं, अभी पूरा खोलेंगे, बनाएंगे इसको, फिर देखते हैं। बाकी दोनों में साथ में ये वाला पीस आया, ठीक है। हाँ, और ये क्या है असल में? तो ये है पैटियो फर्नीचर, जिसके अंदर एक टेबल है और 2 ऐसे स्विंग रॉकिंग चेयर है, आपको दिखाते हैं। तो ये वाला पीस आ गया, जो हमें सोफे का थर्ड पार्ट, मतलब 1 of 3 आना चाहिए था, उसी जगह ये आ गया। और अभी हमारे पास क्या है, ये है आर्मरेस्ट सोफे के, एंड दिस इज द स्टोरेज पार्ट, जो एल वाला पार्ट है। मेन जो सिटिंग एरिया है वो हमारे पास आया नहीं,
सो हमने उनसे कोऑर्डिनेट किया कि ऐसे है वैसे है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने फाइल आउट कर दिया, अब हम देखते हैं कि क्या करना है। फिर हमें अपडेट आता है कि जो हमारा एक पार्ट मिसिंग है उसकी शिपिंग हो रही है, वो आपको इतने टाइम में डिलीवर हो जाएगा एंड ऑल दैट, एंड जो पैटियो फर्नीचर है वो आप अपने पास रख लो। अब हम खुश तो बड़े हुए थे कि हम रख लें, हमारे पास बालकनी में अच्छी खासी स्पेस है रखने की, बट विंडी मौसम शुरू हो गया था तो कोई पॉइंट नहीं है, ठंडी हो गई है बहुत सारी। एग्जैक्टली, सो वो इसीलिए अभी हमने पैक ही रखा हुआ है क्योंकि इसको खोलने का कोई पॉइंट नहीं है अभी। लेकिन उसके अलावा जो हमारा एक और पार्ट था काउच का, उसके लिए हमने देखा हमारे शिपिंग की डिलीवरी वॉज लाइक एक महीने बाद। दे वर लाइक कि सॉरी टू टेल यू बट जो काउच का वो पार्ट खत्म है, पूरा काउच ही आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। हमें पूरे के पूरे काउच का रिफंड आ गया। नाउ द पॉइंट वाज, हम खुश तो बड़े हुए थे लेकिन यार हमें चाहिए था, सिंपल सी बात है। फिर हमने एक और अपने बजट के अंदर देख के एक और काउच ऑर्डर किया जो की है ये। इसकी भी फोटो भी साइड में, इसकी फोटो नहीं, ये सीधा बनाकर दिखाएंगे। तो हमारा माइंड कुछ ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे हमारा अभी वाला सोफा आएगा और जो हमारे पास स्टोरेज पार्ट एक्स्ट्रा पड़ा है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, हम ऐसा सोच रहे हैं। बाय द वे, ये जो लैंप्स है ये दोनों हमने मार्केट प्लेस से लिए थे, ये आइकिया के लैंप्स है, ये मिरर हमने मार्केट प्लेस से लिया, ये भी आइकिया का है और इसकी अमाउंट अराउंड 120-130। गुड क्वालिटी वन। सो उसके अलावा एक ये हमने भी लिया था तो इससे खुशबू हो जाएगी घर के अंदर। बाथ एंड बॉडी वर्क्स द ऊद फ्लेवर। साथ में हम शुरू करते हैं काउच बनाना, प्लस देयर समबडी कमिंग ओवर नेक्स्ट वीक टू स्टे विद अस। यस, तो हमें स्पेस भी चाहिए ना, तो मैं इसपे सोऊंगा। जस्ट किडिंग, चलो हमारा सोफे का सामान। आई थिंक अभी भी कुछ सामान मिसिंग है। लास्ट सामान मैं मिसिंग था जो बनाएगा इसको। इट्स नॉट दैट टू हार्ड, ज्यादा से ज्यादा एक रात लग जाएगी, कोई बात नहीं। बैठने जगह हो जाए, मेरे सोने जगह हो जाए, कल को कहीं लड़ाई होती है तो मेरे को 12 बजे सोना पड़ सकता है ना। एक बार पूरी सीधी लेटी है, जरा हेड टू टो ठीक है यार, पूरा हेड टू टो लग तो रहा है। इसको तो हम खोलने नहीं वाले, जो बाजू है कोई पॉइंट नहीं है। इसका हम कलर देखते हैं क्या है और अगर हमें ठीक लगता है तो हम ये पार्ट खोल देंगे। भारी जोर लगा के हई या, मैंने अकेले ने अंदर करा था ये। गोगो भैया प्लीज शो मी द कलर ऑफ दिस वन प्लीज। अच्छा बाय द वे, कॉस्टिंग का भी आइडिया दे देते हैं, लिंक डाल देना डिस्क्रिप्शन में यार। अब ये ऐसे खुलता है ना यहाँ से, ये वाला ये हाँ ये स्टोरेज है, ये अंदर क्या है। मैं इसे कहता ये डील सबसे बेस्ट थी, ये खराब हो गई हमारी डील। बहुत सारे गद्दे, ये गद्दे क्यों हैं? रखने के लिए। इतने सारे क्या करने हैं यार? खेलने के लिए, तेरे को मारने के काम आएंगे। नो द पॉइंट इज कि हमारे पास शायद इसका, अगर उसके अंदर इसका वो ना हुआ ना इंस्ट्रक्शंस वाला, हमें खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा। अतरीत ने घर पे कभी ये वाला काम नहीं करा होगा।
ये बाहर आके कर सब करना पड़ता है, यहाँ पे ना जो इंडिया में कभी नहीं किया ना वो भी करना पड़ता है। तो डिसीजन सही था मंगवाना। ये पीस है पैटियो फर्नीचर, अब आ गया ठंड, इसका कोई फायदा नहीं है, पैटियो में जाएगा नहीं। किसी को लेना है तो मेरे को रीच आउट कर लो, इसको मैं सेल ऑफ कर लूँगा उसको। अभी हम लोग देखते हैं आमरेस का क्या करना है। हम लोग ये स्टिकर उतार रहे हैं, ये हमें जिससे मिला था स्टिकर लगा हुआ मिला था, तो क्या उतर रहे हैं आराम से? यस बस ठीक है, हमें ला दो। मैं सो चुका है बहुत ही ज़्यादा घर का, हरप्रीत थक चुकी है, खाना खाने का टाइम आया है। हाय, आई वुड लाइक टू हैव अ पिज़्ज़ा।